वेलकम बैक टू शूट ऑफिशियल। एक और नया दिन, हम 7:30 बजे यहाँ पहुँचे हैं। ये जो जगह है इसका नाम, इसको पीकॉक टेम्पल बोला जाता है। तो ये है जैन टेम्पल और बैंगलोर से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पे। वीकेंड पे आप बिल्कुल आ सकते हैं अगर आपको चाहिए कि थोड़ा सा छोटा सा ट्रिप जहाँ पे वेदर इन्जॉय कर सको, जहाँ पे शहर की भसड़ से दूर जा सको। ये वो जगह है, आप 60 किलोमीटर 1.5 आवर ऑफ जर्नी। और जैन टेम्पल जहाँ पे पिकॉक मेडिटेशन सेंटर है और एक जैन भगवान की मूर्ति भी है, साथ में एक लेक है पास में। तीन चीज़ें हैं मेनली यहाँ पे जो देखने लायक है। ये 500 स्टेयर्स जाके एक टेम्पल है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बन जाएगा ये कुछ समय में। और ऊपर एक पेड़ है जो कि असली का पेड़ नहीं। बैठ रहे थे, बैठो ना। स्टोरी महावीर जैन क्या सुना, जो भी कहानी है। जन्म बिहार में हुआ था, पावापुरी में मंदिर है महावीर जैन का, तीर्थंकर। ये है असली चीज। रिकॉर्डिंग तब से चालू करके रखे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या डालेंगे। तेरा तो वो जरूर जाएगा, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। गर्मी चाहिए। Beautiful view, beautiful lake, beautiful Jain temple. Everything is beautiful about this morning. We are loving it. So it was a random plan. कई बार random plans बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि आज का। ये जो सितंभ है, इससे माना जाता है कि जब आप किसी टेंपल या कहीं भी जा रहे हैं तो अपना ईगो, अपनी इच्छाएं, उनको छोड़ के जाइए। सो हम मेडिटेशन सेंटर पहुंच गए हैं जो कि पीकॉक की शेप में है। देयर आर पीपल हु आर सिटिंग, हु आर एंजॉयिंग। ये पूरा पीकॉक के पंखों की तरह बना है। Oh my God.
कैसा लगा? नहीं लगा कैसा, सच्ची बताओ? बहुत खूबसूरत, बेहतरीन। ये कीटाणु को मतलब जो भी मतलब जो हवा में जो कीटाणु होता है वो मोरपंख खत्म कर देता है। सिर्फ एक दुकान है यहाँ पे, कुछ भी आपको खाना है, कुछ नहीं खा सकते एक्चुअली, जो यहाँ पे मिलेगा वही खा सकते हैं। एकमात्र दुकान, एकमात्र सहारा। तो अल्लाह छोड़ भी नहीं करते हैं। क्या जी महाराज, आप तो कह रहे थे ठंड नहीं है, अब लग रहा है भाई। ये क्या कर रहे हैं अब? मैं अपनी शर्ट तो खा लेता हूँ। कौन सी शर्ट है भाई ये? ऊपर बैठा ऊपर। थोड़ा पिछवाड़ा भी सीख सुख जाएगा। ए राहुल भाई आप माफ कर दो ना यार, कहीं कहीं तो माफ कर दो रे भाई। तुम लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ मैं, स्कीम चल रही तुम्हारे खिलाफ। ये सीधे बिहार से। मस्त बारिश हो रही है और हम लेक की ओर आए थे पैदल पैदल, ये पूरी टीम। बारिश हो रही है, भीग गए हैं। लेक की ओर रोड भी आता है पर हम बाय कार नहीं आए, वी थॉट के हम वॉक करेंगे। अब ये अच्छा डिसीजन भी था, बुरा भी था, मज़ा भी आ रहा है। हेलो, ये कौन सा वॉक है भाई साहब? चक्कर में जूतों का हाल देखिए। ये जो आदमी है ना, ये कभी गर्म पानी के अलावा किसी और ठंडे पानी से नहाता नहीं है। इसी तो दिक्कत हो रहा है। तो अब ये देखिए, ये नेचर का कमाल देखिए। देखो बैंगलोर में पहले से ही एक्सपेक्टेड नहीं है इस टाइम पे, ये साइक्लोन की देन है जो ये चीज हो रही है। नहीं, ठंडे पानी से आदत नहीं है ना। टेम्परेचर बहुत है, अराउंड 14 टू 15, दैट्स फॉर श्योर। नहीं, 10 से नहीं, 10 भी होता है। मिशन अकॉम्प्लिश्ड। There you go. ये रहा लेक, ये वाला लेक काफी बड़ा है।
अनएक्सप्लोर्ड है, इसीलिए साफ भी है. सो वी विल बी एंडिंग दिस व्लॉग नाउ. ये बहुत अच्छा स्टार्ट रहा और अभी दिन शुरू ही है, आधा दिन हुआ है. आज ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी बारिश रहेगी और ऐसा वेदर मिलेगा हमें. अगेन डू विजिट दिस प्लेस इफ यू आर इन बैंगलोर. इट इज़ जस्ट 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सिटी. आओ इधर, यू कैन कम इन द मॉर्निंग द बेस्ट टाइम और इवनिंग. दिन में शायद इतना ज़्यादा कुछ खास रहेगा नहीं, बट सुबह और शाम का मौसम यहाँ पे बेहतरीन है. ये बारिश थी, बहुत मज़ा किया. धूप में आओगे, दिन में थोड़ी ज़्यादा धूप रहेगी, इसीलिए या तो इवनिंग या मॉर्निंग आई विल रेकमेंड. सो अगेन दिस ग्रुप, वी विल बी गोइंग समवेयर एल्स इन द नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप रॉकिंग एंड सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द चैनल. क्या कहते हैं भाई? हाँ बताइए क्या कहते हैं? नदी. नहीं नहीं ज्यादा इंग्लिश नहर को नदी नहीं भी नहीं कहते, और वो भी नहीं कहते. नहर क्या कहते हैं? लेक को चौर बोलते हैं. समुंदर तालाब. हाँ तालाब ही. तो हम क्या बोलते हैं? तालाब नहीं बोलते हैं, लेक को तालाब बोलते हैं. पॉन्ड को हाँ, वो झील. झील ये तभी इनका चैनल पर चल जाएगा. यही है, अभी विंडशील्ड लगाने के बाद कुछ नहीं दिख रहा.